फयाज वासिफुद्दीन डागर, एफ वासिफुद्दीन डागर लोग जानते हैं, वासिफ वासिफुद्दीन डागर के नाम से लोग जानते हैं। मैं डागर परिवार में 20वीं पीढ़ी में हूँ, और 20वीं पीढ़ी का मतलब ये है मेरे फादर भी म्यूजिशियन थे, मेरे दादा भी और मेरे परदादा भी, मेरे परदादा के दादा भी और सकर दादा जितने भी हैं सारे के सारे म्यूजिशियन रहे हैं, डागर परिवार के नाम से जाने जाते हैं हम लोग। और डागर वाणी है, चार स्कूल्स हैं ध्रुपद में, डागर वाणी, नौहर वाणी, गौहार वाणी, खंडार वाणी, तो हम डागर वाणी को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर 20 जनरेशन को लिया जाए तो कम से कम 450 साल हो गए हैं हमारे परिवार को। और स्वामी हरिदास जी के टाइम से, ये जब स्वामी हरिदास जी थे तब से हम लोग का वो है। और मैं मेरे पिताजी और मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी का नाम उस्ताद नसीर फयाजुद्दीन डागर है, और मेरे ताऊ जी का नाम उस्ताद नसीर जहीरुद्दीन डागर है। वैसे तो मेरे बहुत सारे ताऊ और चाचा बहुत सारे हैं सब लोग, लेकिन ताऊ जी और पिताजी मेरे गुरु हैं, जिन्होंने नींव रखी। और मैं दिल्ली में ही जन्म मेरा हुआ, और मेरी स्कूलिंग भी दिल्ली में ही हुई। और शुरू से ही, क्योंकि अब 20 जनरेशन से अगर हम समझ रहे हैं तो आप समझिए कि अब 20 जनरेशन से है, तो आज तो साइंस भी बोलती है और सब लोग बोलते हैं, पता ही है कि जन्म होने से पहले भी, मतलब वो जो जन्म जिसका होने वाला है वो सुनता है, वो सब कुछ रियलाइज़ करता है। तो म्यूज़िक तो मैं तब से सुनता आ रहा हूँ, और म्यूज़िक की गहराई हम लोग को समझाई जाती है बाद में। ये सब कुछ डिपेंड करता है गुरु के ऊपर कि गुरु किस तरह से आपको सिखाए, क्या क्या सीखना चाहते हैं। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, तो आज मैं मॉडर्न जबान में समझाऊं तो कंप्यूटर जो है, हार्ड डिस्क उसकी एम्प्टी होती है जब, लेकिन आप अपने हिसाब से उसको प्रोग्राम उसके अंदर डालते हैं। तो ये डिपेंड करता है गुरु और पेरेंट्स के ऊपर कि वो किस तरह से वो बच्चे को कौन सा माहौल देना चाहते हैं, किस तरह से उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। तो मेरी बुनियादी तालीम तो मैं फिर बता चुका हूँ, मेरे ताऊ जी और पिताजी से, ताऊ जी से ज़्यादा मुझे हासिल हुई। और मैं स्कूलिंग भी मेरी, मैंने आपको बताया, ज्ञान भारती में पढ़ा हूँ। और शुरू में हम लोग का तालीम का ये सिलसिला है कि एक बच्चे को एक जगह पर बैठा दिया जाता है, और वो सिर्फ, मतलब उसको सिर्फ एक पहला स्वर, क्योंकि हमारे भारतीय संगीत में एक आज़ादी है कि अपना स्वर सेलेक्ट करने की एक आज़ादी है, तो उस स्वर के ऊपर जो है उसको बैठा के वो बच्चे को कहा जाता है कि आप कहिए, सा गाते रहिए और कुछ इस तरह से वो करते रहिए। तो जिसमें वो चाहे वो सा, उसको जैसे सा, वो बच्चा जो है वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वहाँ पे रियलाइज़ करता है, जैसे आवाज़ आ रही है, जैसे तानपुर, वो सा जो है कहीं पर भी चला जाए, सा, उस टाइम जो है वो बड़े जो है उनको समझाते, नहीं बेटा आप इसको संभाल के रखिए, वो सब कुछ वो ऐसे करके डेवलप होता है। फिर फ्रेजेस दिए जाते हैं, फ्रेजेस फिर डेवलप किए जाते हैं, फिर उसके बाद फिर और तालीम होती है। तो बहुत सारे ऐसे भी, एक माला भी है जो बहुत लंबी माला है, जब हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारी क्षमता बढ़ जाती है, और राग, मतलब राग क्या, मतलब सांस की कुवत जब हमारी और बढ़ जाती है, तो फिर एक, जब हमारे गुरु सोचते हैं कि उनको थोड़ा सा और आगे तालीम देनी है। वैसे बुनियादी राग तो भैरव और यमन और मुल्तानी,
जिसके अंदर 11 स्वरों की तालीम जो है वो हो जाती है। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ स्वरों को ही समझाया जाता है, वो रागों की जो जो हमारे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको बोलते हैं श्रुति, जो भारतीय संगीत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है जिसको श्रुति बोला जाता है, उसके उसका भी स्वर मतलब उसको भी समझाया जाता है कि राग में किस तरह से उस श्रुति को डेवलप किया जाता है। अब श्रुति को अगर मैं डेवलप करने की बात कहूँ तो श्रुति जो है एक ऐसी चीज़ है कि जैसे दुनिया में सबकी नाक है और आँख है, तो राग में हमारे लेकिन जो प्रोपोर्शन जो आ रहा है पूरे के पूरे मुख पे जिस तरह से आँख आ रही है, तो आपकी और जो जिस किसी की भी आँख है वो शायद मेरी और उनकी आँख एक सी है, लेकिन जब हम एक मुख पे आ रही है तो उस राग की वो श्रुति हो जाती है। तो वो प्रोपोर्शन कितनी सारी नाके हैं बट फिर भी सबकी दुनिया में हम लोग इतने सिमिलर होने के बाद भी इतने डिफरेंट हैं, तो उसका भी ज्ञान करवाया जाता है। मेरा डेब्यू हुआ भारत भवन में 1988 में, मेरे गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत भोपाल में भारत भवन में ये प्रोग्राम किया था, और उस मैं 20 वर्ष का था, मेरे 25-26 साल हो गए परफॉर्मेंसेस देते हुए, और गाना तो फिर आप समझ ही सकते हैं, मतलब जितने काफ़ी साल हो गए मतलब पैदाइश के 2-3-4 साल के बाद जो है वो मतलब वो थोड़ा थोड़ा गाने का एक वो सिलसिला वो शुरू हो ही जाता है 5 साल की उम्र में थोड़ा थोड़ी सी। अब ये नहीं कि एकदम ही 5 साल की उम्र में बहुत सारी चीज़ें लाद दी जाती हैं, ये नहीं है, मतलब है 5 साल की ये इस उम्र में जो एक एटमॉस्फेयर दिया जाता है कि आप इस तरह से जो आपके पिताजी बोलते हैं, जो पिताजी करते हैं आप वो करते हैं, जो माँ बोलती है आपको वो करते हैं। तो हमारे साथ ये है कि हमारे गुरु और भी हमारे ताऊ जी थे, हमारे मामा जी उस्ताद सईदुद्दीन डागर और रहीम फहीमुद्दीन खां साहब, और ये सर ये जितने भी लोग रहे हैं इन्होंने फरीदुद्दीन डागर साहब, हमारे ये सब के सब एक आइडियल हैं जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि इस तरह से ये लोग के क्या क्या वातावरण इन्होंने दिया गया। और भारत भवन में देने के बाद फिर 88 में फिर पिताजी का ध्यान हुआ 7 फरवरी 1989 में। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने यही डिसाइड किया कि मतलब ताऊ जी ने सोचा कि मेरी तालीम भी साथ साथ तो हो ही रही थी, तो उन्होंने मुझे अपने साथ बिठा के परफॉर्मेंसेस भी जिस तरह से पिताजी और ताऊ जी की जुगलबंदी हुआ करती थी, डागर ब्रदर्स के नाम से दोनों बहुत मशहूर थे, और डागर ब्रदर्स जो सिंगर्स जो हैं जो पेयर जो गाया है वो दो पेयर बने हैं, सबसे पहले मेरे चारों मेरे पिताजी हैं और उनके तीन भाई चार भाई थे नसीरुद्दीन खान साहब के, मेरे दादा नसीरुद्दीन खान साहब के, नसीर मोइनुद्दीन डागर, नसीर अमीनुद्दीन डागर। पहला पेयर वो 50s और 60s में वो लोग काफ़ी मशहूर रहे, उसके बाद फिर मेरे ताऊ जी उस्ताद नसीर रहीमुद्दीन डागर, नसीर फयाजुद्दीन डागर, ये दोनों डागर बंधुओं के नाम से मशहूर थे। तो उसी तरह से उन्होंने मुझे अपने 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 भतीजे, बल्कि मैं उनका भतीजा नहीं, मैं उनका बेटा ही हूँ रहीमुद्दीन डागर साहब का, तो उन्होंने मुझे बेटे की तरह और उन्होंने मुझे साथ में बिठाया, तालीम दी कि किस तरह से अलग अलग ऑडियंसिस में किस तरह से परफॉर्मेंस किया जाता है, क्योंकि एक सीखना एक अलग बात है और रियाज करना एक अलग बात है, लेकिन परफॉर्मेंस एक अलग बिल्कुल ही अलग एक चीज़ है। क्योंकि तो अगर मैं ये अक्सर बोलता हूँ कि मेरा म्यूज़िक जो है मेरा बाग है, और मेरा परफॉर्मेंस जो है वो गुलदस्ता है, फूलों का गुलदस्ता, जो उसमें से बहुत ही बेहतरीन फूल होते हैं गुलदस्ते में बुके में वही वाले फूल लगाए जाते हैं जो सबसे अच्छे हैं, क्योंकि मुझे मुझे मालूम है, परफॉर्मर को मालूम है कि कौन से फूल को अभी किस चीज़ की, कौन से प्लांट को, कौन से पौधे को अभी क्या सींच, कितनी सींचने की ज़रूरत है, कितना करने की ज़रूरत है। तो ये उस हिसाब से ही जो है गुलदस्ते में फूल डाले लगाए जाते हैं 45 मिनट में, या पहले तो
2 1.5 2 3 घंटे तक गाने की इजाजत होती थी। आजकल तो सब कुछ सीमेंट दिया, 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे 60 मिनट में खत्म कर दो, चाहे कोई भी हो। तो ये थोड़ा सा ये परिवर्तन जरूर आ गया है कि पहले आर्टिस्ट को थोड़ा समय और भी दिया जाता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्तुति दीजिए, और लेकिन आज जो है सब सबको 40 मिनट कह दिया जाता है कि वो सब लोग जाने वाले हैं, आप प्लीज़ आप 40 मिनट में समेट दीजिए 50 मिनट में। तो इसी तरह से अब करते करते मैं देश विदेश में भी हर जगह पे, काफ़ी जगहों पे मैं जा चुका हूँ। यूरोप में कई कंट्रीज़ में गया हूँ, जापान में गया हूँ, थाईलैंड, और जो हमारे जो आस पड़ोस के जो मुल्क हैं इधर भी जा चुका हूँ, अमेरिका। तो ये बहुत मतलब वाइडली ट्रेवल कर लिया है, और जहाँ तक ध्रुपद के जहाँ तक ताल्लुक है, तो ध्रुपद तो प्राचीनतम शैली है भारतीय संगीत की, और ध्रुपद वेद सामवेद से इसका ताल्लुक है। और जब क्योंकि ऋचाओं का जब उच्चारण किया जाता था या श्लोक का उच्चारण किया जाता था, तो उस टाइम भी रिदम जो थी वो दी जाती थी। आज भी अगर आप ऋग्वेद का आप हम लोग जब सुनते हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके हमारे हमारी सबसे इम्पोर्टेंट भारतीय संगीत की रिप्रेजेंटेशन में या प्रेजेंटेशन में या प्रिजर्वेशन में सबसे खूबसूरत बात यह है कि कंठस्थ करवाया जाता है। हम लोग को सब लोग बोलते रहते हैं कि भारत में अच्छा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। अरे भाई, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता तो आज भी आप ऋग्वेद के जो है श्लोक उसी उच्चारण में सुन रहे हैं, आज भी आप राग सैकड़ों बरस से जो है उसी उसी तरीके से उन्हीं श्रुतियों में आपको सुनाई दिए जा रहे हैं। तो इससे अच्छा प्रिजर्वेशन और डॉक्यूमेंटेशन क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ लिविंग लिविंग डॉक्यूमेंटेशन है, लिविंग लेजेंड्स हैं, वो प्रिजर्व करके फिर उसको प्रेजेंटेशन में हम लोग लेके आते हैं। ठीक है, हम लोग ये भी एक बात है कि हम बहुत सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से प्रिजर्व नहीं करते, संगीत की ही बात कर रहा हूँ, जैसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उसको हम लोग इतना वो नहीं करते हैं। तो हमारा सामवेद है, फिर इसके अपने उसूल हैं ध्रुपद के, आकार गमक लहक डगर धुरन मुरन कंपित आंदोलन, ये टेक्निकल टर्म्स हैं। तो इसको जो है ग्रास्प किया जा करवाया जाता है बच्चे को, आप किस तरह से आप इसको सीखें, क्योंकि सुनना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। बगैर सुने हुए चाहे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो, चाहे वो नृत्य का मामला हो, जब तक आप उसको आपको देखना, नृत्य में आपको देखना सुनना पड़ता है, लेकिन संगीत में आपको आपको सुनना पड़ता है। तो सुनना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि जब हम सुन रहे होते हैं तो फिर अपने मन में भी कुछ ना कुछ कर रहे हो कहते हैं कह रहे होते हैं। तो इसलिए इसको सीना बसीना गुरुमुख विद्या भी कहा गया है इसको, कि गुरुमुख विद्या है जिसको आप इसको सुनेंगे, जो गुरु को देख रहे हैं, जो गुरु करते हुए देख रहे हैं, उसी तरह से आप अपने आप को पूरा उसी तरह से आप देख के अपने आप को उसी में ढालने की कोशिश करते हैं। और तो मेरे हमने सीखा, कई लोगों के साथ बैठ के सीखा, और सभी से ही तालीम हासिल की, और तालीम हासिल करने के बाद हम ताऊ जी का फिर देहांत हुआ। 5 साल में ताऊ जी के साथ गाना गाया मैंने, सीखा गाया, और 1994 7 मई को ताऊ जी का देहांत हुआ। फिर उसके बाद से मैं सोलो ही परफॉर्मेंस देता आ रहा हूँ, कभी कभार अपने बड़ों के साथ जुगलबंदी में बैठा हूँ, और मेरे अपने कज़न बाउद्दीन के साथ रुद्रवीणा में भी जुगलबंदी की है मैंने। और बस ये है मेरा मेरा ये मिशन है कि आई वॉन्ट टू रिलैक्स द स्पाइन ऑफ लिसनर्स। संगीत में क्या है, संगीत में मेन चीज क्या है, तो टू कट इट शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ, संगीत में स्वर है, स्वर प्रधान है। हर आदमी जो है सबसे पहले लय की बात करता है, लय है संगीत में, नहीं जी, पहले स्वर है, पहले स्वर को महत्वता दीजिए, और फिर उसके बाद लय है।
और उसके बाद जो है शांति है, शांति प्राप्त होती है, हर जीव को शांति प्राप्त होती है, हर जीव जो है संगीत से प्रभावित होता है, जिसमें भी जीवन है, जिसमें जीवन काल है, वो संगीत से प्रभावित होता है। तो आप संगीत को सिर्फ एंटरटेनमेंट का नाम ही देके हम वो नहीं कर सकते कि सिर्फ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट के भी अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो एंटरटेनमेंट भी क्या है, एंटरटेनमेंट का भी अगर मैं देखिए तो फर्स्ट लेट इट एंटर। सिर्फ उछल कूद का नाम एंटरटेनमेंट नहीं है, कि ये फ्रीक आउट करने का नाम एंटरटेनमेंट नहीं है। लेट इट एंटर फर्स्ट, इट इज मेंट टू अटेन यू, इट विल अटेन यू। लेकिन हम ये सोचते हैं कि बस बस ये उछल कूद कर लो और वो कर लो, ये सब कुछ है। तो हमारा अपना अपना संगीत का एक अपना हर प्रकार के संगीत है। तो ध्रुपद के लिए मैं बोलूँगा कि मौसीकी के अंदाज सभी प्यारे हैं, मौसीकी संगीत मौसीकी के अंदाज सभी प्यारे हैं, मगर हम सादगी के मारे हैं। तो ध्रुपद एक सिंप्लिसिटी, एक ध्रुव ध्रुव जैसे ध्रुव तारा के अपना एक पोजिशन है, और तारे बदलते रहते हैं लेकिन ध्रुव का अपना एक अपना मुकाम है, अपना एक अपनी जगह पे है, वो नहीं मूव करता ध्रुव। और पद पद क्योंकि ये सारे के सारे टेक्स्ट जो है ईश्वर की आराधना में स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है। तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, मेडिटेटिव म्यूजिक भी है, आलाप किया जाता है। आलाप डागर परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक उनका वाटरमार्क है, जिसके अंदर आलाप को आपके इंस्ट्रूमेंट में भी बहुत बचता है आलाप, लेकिन गाने में आलाप ध्रुपद में जो डागर परिवार ने अपना एक अलग बहुत ही वो किया है, और डागर परिवार का खुसूस और अपना एक अपनी जो आइडेंटिटी है उनका उच्चारण है, उच्चारण किस तरह से, क्योंकि अब अगर उच्चारण के ऊपर भी ध्यान दें कि जिव्या दंति मूर्धना तालु गोष्ठी, अब उच्चारण अगर बोले उच्चा जिस किस तरह से मुंह खुल रहा है, उच्चा पैलेट को किस तरह तालु पे किस तरह से जा रहा है, उच्चारण अब रण किस तरह से नाक का भी नासिका निरन नासिका अनुनासिका किस तरह से प्रयोग हो रहा है उच्चारण। तो ध्रुपद अब जैसे तो इसी तरह से बहुत सारी डेप्थ है इसके अंदर, अगर जाएंगे तो फिर बात ही बात करते रहेंगे, कोई इसका कोई अंत नहीं है। तो अब ये हमारे बुजुर्ग भी एक बात भी कहा करते थे कि बेटा अपना सा तलाश करो। अब सा क्या है, अगर सोचा भाई क्या सा क्या तलाश करो, क्योंकि बगैर हर राग हमारे हमारे राग होते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में स्वरों की एक, क्योंकि हम ऑक्टेव्स के ऊपर काम होता है, मतलब सप्तक के ऊपर काम होता है। और जैसे विदेश विदेश के जो स्वर है, मतलब विदेश मतलब जो यूरोप और अमेरिका में जिस तरह से उन्होंने सेटअप किया है, तो उन्होंने ए बी सी डी ई एफ जी जैसे ए बी मतलब वो उन्होंने स्वरों को जो है ना उसकी उसको माप के उसको फिक्स कर दिया कि ये ए है ये बी है ये सी है। लेकिन भारतीय संगीत में हम उसी को ए पे भी अपना सरगम शुरू कर सकते हैं, डी पे भी कर सकते हैं, सी पे भी कर सकते हैं। जैसे सी शार्प की आवाज़ आ रही है आपको, अब ये जैसे एक स्वर है, तो इसी तरह से अलग सा मतलब ये मैंने एक दो स्वरूप बता दिए, एक तोड़ी का है मियां की तोड़ी का, एक माल क्रॉस का है। तो ये कई ऐसे स्वरूप होते हैं जो जो राग राग अपने क्रिएट किए हुए हैं हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, नायकों ने, पंडितों ने, उस्तादों ने अपने अपने राग बनाए हैं। लेकिन राग एक एक पर्सनालिटी है, राग हर एक राग में अपनी पसंदीदा स्वर होते हैं, थोड़ा कम पसंदीदा स्वर होता है जिसको जिसके ऊपर पूरा का पूरा वो किया जाता है। फिर मैं वापस सा पे आता हूँ। सा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्वर है जो हर एक राग में होता है। अभी दोनों राग गाए, इसमें कुछ एक में ऋषभ नहीं थी और
विधिवत नहीं थी, एक में जाते वक्त जो था वो पंचम नहीं था, तो अब लेकिन सा तो हर हर राग में है। तो इसी तरह से कहा कि सा क्या है, सा अपना सा खोल। तो अब अगर हम उसकी डेप्थ में जाएं तो सा जो है स्वर जो है वो भी सा है, आधा सा से स्वर, संगीत भी सा है, सुगम संगीत भी सा है, साहित्य भी सा है, संग्रहालय भी सा है, सूर्य भी सा है, संघर्ष भी सा है, सुगम भी सा है, संगीत भी सा है, सुगंध पता नहीं क्या क्या, संग्रहालय क्या क्या, मैं अभी फ्लो में इतना सब कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सा से इतनी चीज़ें हैं कि आप सोचेंगे कि सारी की सारी चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि साहित्य और संगीत का चोली दामन का साथ है, साहित्य को प्रसार प्रचार करने में संगीत ने मदद की, लेकिन संगीत ने मतलब आया साहित्य की वजह से, क्योंकि वरना तो ये टोन्स थे, साधारण से एक स्वर थे, लेकिन हम उन्हीं स्वरों से खुश हो जाते हैं, उन्हीं स्वरों से नाराज भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमको क्लासिकल नहीं समझ आएगा, कभी नहीं समझ आएगा। भाई क्यों नहीं समझ आएगा, इंसान है, इंसान के बच्चे ही कर रहे हैं और सारे इंसान ही सुनते हैं, भाई क्यों नहीं आएगा आपको समझ। आप 10+2 के बाद, 10th के बाद आप ऑलरेडी अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर आप जब BA की तरफ अग्रसर होते हैं तो आप ऑलरेडी गोइंग, यू आर गोइंग इन टू रिफाइनमेंट। तो क्लासिकलिटी इज रिफाइनमेंट इन एनी सब्जेक्ट। तो जब उस रिफाइनमेंट में जा सकते हो तो संगीत में भी रिफाइनमेंट के लिए जो है वो क्लासिकल एक्ट है। आफ्टर नोइंग समथिंग, थोड़ा सा जानने के बाद फिर आपकी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि हम उसको और भी डेप्थ में समझना चाहते हैं। जब आप उसकी डेप्थ में जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो ये क्लासिकल एक्ट है, तो आपको क्लासिकल क्यों नहीं समझ आएगा। बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीज़ें जो नहीं समझ आती फिर भी हम करते हैं, तो फिर क्यों नहीं कर सकते। क्लासिकल भी आप सुनिए, थोड़ा सा समय दीजिए, तो देखिए समय भी सास है, समय भी आ गया सारा सास है। अब सन्मेहता भी चाहिए आपको, सांसें चाहिए, समंदर भी क्या है, सांसें। देख कितना, अब आप सोचते चले आएंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। अब ये रिसर्च है, रिसर्च एक ऐसी चीज है कि समथिंग विच इज ऑलरेडी बीन सर्च, जो पहले कोई खोज चुका है, आपको आप उसको दोबारा खोज रहे हैं। तो वही वही स्वरों का इतना महत्वपूर्ण है, योगदान है। अब स्वरों का योगदान जो है, हम साधारण भाषा में भी अगर उसमें जाए तो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी को खुश भी कर सकते हैं, नाराज भी कर सकते हैं, किस चीज से, इवन एक शब्द से भी कर सकते हैं और एक सेंटेंस से भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे आप आ गए, अगर आप आ गए, कोई कहा आप आ गए, आप आ गए, आप और कभी शब्द की बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, फिर भी सामने वाले को समझ आ जाता है कि यू आर वेलकम एंड यू आर नॉट वेलकम। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि टोन टोन के बगैर तो भाषा हो ही नहीं सकती। और टोन, सुधरे हुए टोन, सदाए हुए टोन जो है वो स्वर है, साधना किए हुए स्वर जो है, साधना भी सा से आ गया, साधना किए हुए जो स्वर है वो उसको संगीत में बद कर दिया जाता है, और श्रुतियाँ भी जो है उसी तरह से ही उसका प्रयोग किया जाता है। और हर राग में अपनी अपनी श्रुति है, और जिस तरह से हमारे को जो चीज़ पसंद है हम उसको ज़्यादा करते हैं, उसी तरह से राग में जो चीज़ पसंद है, जो उसका पसंदीदा स्वर, उसको आगे बार बार उसको लगाया जाता है अलग अलग तरीके से, और जिससे जो है उसकी उसकी डेप्थ में चले जाते हैं। तो हमारी रिसर्च जो है बहुत पहले से चल रही, जब सीख रहे थे तो हमको ये नहीं मालूम था कि इसी को रिसर्च कहा जाता है। तो 25 साल तो हो गए मुझे परफॉर्मेंस देते हुए, और मतलब ऑफिशियली, वरना मैंने छोटे मोटे तो इधर बैठना, जैसे ही थोड़ा सा भी मौका मिलता था तो कहीं पे भी बैठ के जो है गाई लिया जाता था। तो खुशबुओं को फैलने का बहुत शौक है, मगर मुमकिन नहीं है हवाओं से रिश्ता किए। तो संगीत की साधना वो है कि समंदर से आग ला, आग हो पानी, मतलब तो एक फायर के साथ ही आदमी आगे बढ़ता है, तक अंदर फायर नहीं हो तो उससे आगे नहीं बढ़ता है।
समंदर से आग ला, आग हो पानी। जब वापस लेके आते हैं, उसके अंदर जब घुस जाते हैं, तो जब वापस आते हैं तो पानी पानी हो जाती है। आग जो है आपके लिए, फायर है वो आपके अंदर बहुत ही एक अलग सा आपको आपका व्यक्तित्व बदल देती है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो आपका व्यक्तित्व एकदम डिफरेंट हो जाता है। तो मतलब एक आग जो है, एक आपको ये पता चलता है कि वो क्या डेप्थ है उसके अंदर, ओशन के अंदर, समंदर में। समंदर से आग ला, आग हो पानी, पानी हो जाता है। और रियाजत से, रियाज का मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना या साधना करना या रिहर्सल्स को मानिए। समंदर से आगला, आग हो पानी, रियाजत से रागला, राग हो रूहानी। रूहानियत जो है कॉपी करने की चीज नहीं है, रूहानियत ये चीज है कि आप अपने अंदर डूब के खोजिए उसको, परमात्मा को खोजिए। अब आप जिसको परमात्मा को नहीं खोजना तो नहीं खोजें, लेकिन अगर आप आत्मा को अगर प्रभावित करना है तो आपको थोड़ा सा उसको समय अलग तरीके से देना पड़ेगा। भगवान हमारे है, हमारा उसी ने ही हमको सब कुछ दिया है, उसी के थ्रू है। तो जो भी कुछ हमारा समर्पण है, समर्पित करते हैं, हम संगीत में भगवान को ही समर्पित करते हैं, परमात्मा को करते हैं। और वो हमको उससे तकवीत देता है, हमको बहुत अच्छा रिलीफ देता है। तो संगीत हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको समझने की कोशिश करिए। और ध्रुपद भी इतनी दूर नहीं है जितना आपके नहीं समझ आएगा, तो ज़रूर समझ आएगा। आज कंप्यूटर में भी हर सवाल, एक फाइल बंद करने के लिए 3 सवाल पूछता है, यस नो कैंसिल। और कभी कभार फाइल तीनों से नहीं बंद होती, लेकिन फिर भी हम अपना दिमाग लगाते हैं, तो इतना तो दिमाग है ना, तो फिर एक चीज़ अच्छी है। तो हम पागल तो नहीं है ना हम लोग कि 20 पीढ़ियाँ लगा दी एक निरस चीज़ के ऊपर। तो फिर आप लोग थोड़ा सा संगीत के पास आइए, समझिए।